अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ ज़ारा अली और मैं हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू करूँगी, खासकर बिगनर्स के लिए जो कि अभी जिन्होंने भी मेकअप करना स्टार्ट किया है और जो अपने लिए वर्थ बाइंग चीज़ें बाय करना चाहती हैं जो इतनी एक्सपेंसिव भी ना हो, क्योंकि हर कोई इतनी ब्रांडेड चीज़ें अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकता और यही सच है। तो मैं जो है वो लोकल ब्रांड की चीज़ें आपके सामने लेके आई हूँ। ये मेरे पास जो है वो किस ब्यूटी का जो है वो स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ लाइनर है। ये लाइनर ब्लैक में और ब्राउन में है और इसके इस साइड पे जो है वो सारी इसकी नॉलेज इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी गई है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट का नाम लिखा गया है, सब कुछ इसमें मेंशन है। इसमें कितना ग्राम है आपके पास, 4.8 ग्राम है इसके अंदर, तो इसमें सब कुछ मेंशन है। और जो इसकी स्मेल है, अगर इसकी स्मेल की बात की जाए तो इसकी स्मेल जो है वो बेबी पाउडर की तरह इसकी स्मेल आ रही है। और ये मेरे पास ब्राउन है, जो ब्राउन है आप उसको लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्राउन से अपनी आईब्रोज़ को फिलअप भी कर सकते हैं। ब्राउन जो है वो नेचुरली लगता है, अगर आप अपनी आईब्रोज़ को ब्राउन से फिल करें तो वो नेचुरल लगता है। और अगर आप चाहें तो दोनों को एक थोड़ा सा मिक्स करके भी अपना आईब्रोज़ को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना, इससे आप स्मोकी आईज़ भी बहुत अच्छी बन सकती हैं, क्योंकि जब आप अपनी आईलिड पे ब्लैक अप्लाई करेंगे और जब ब्राउन से जो है वो अपनी इसको स्मच करेंगे ऊपर से अपने जो क्रीज है ब्राउन के साथ, और अपनी इसके ऊपर जब अपनी आई शेड्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे आई शेड्स, तो ये काफ़ी जो है वो अच्छी लगेंगी स्मोकी आईज़ के लिए। और ये लाइनर्स के लिए, लाइनर के भी बहुत अच्छा है। आप इसको एज अ काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी इनर लाइन में आईज़ जो है वो उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने ये थोड़ी देर पहले लगाया भी था तो ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन ये ब्लैक वाला फिर भी, ये ब्लैक वाला जो है वो ड्राई हो गया था लेकिन ना ये फैलता नहीं है, ये भी ड्राई नहीं हुआ था। ये मैंने वीडियो बनाने से दो मिनट भी नहीं, बस एक सेकेंड पहले ही जो है मैंने इसको लगाया था, लेकिन ये देखें जो गीला जो इसका ड्राई हो गया हुआ ना, अब वो फैल नहीं रहा है, स्मच प्रूफ है वो गीला था। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है आपकी आईज़ पर तो ये स्मच नहीं होता है। ये मैंने वीडियो बनाने से पहले का लगाया हुआ है और अभी भी जो है ना ये उतर नहीं रहा है। तो ये जो है वो आप इसको वर्थ बाइंग है और आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे अच्छा लगा है। एज यूजुअल बाकी जो लाइनर्स वगैरह होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मज होते हैं, पानी गर्मियाँ हैं और आपको पसीना आता है तो वो बहना शुरू हो जाते हैं। तो मैं मुझे ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगी हैं तो आप भी इसको बाय कर सकते हैं। मैंने आपको इनकी सारी डिटेल बता दी है कि ये कैसे काम करते हैं। अब मैं आपसे दूसरी प्रोडक्ट जो है वो शेयर करूँगी, उसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये मेरे पास किस ब्यूटी की दो जेट लाइनर थे, ब्लैक जेल लाइनर्स जेट ब्लैक। और मेरे पास दूसरी जो प्रोडक्ट है वो मिस रोज़ के जो हैं वो ग्लिटर्स हैं, और ये भी रिजनेबल प्राइस में मिले हैं, क्योंकि ये प्रेस ग्लिटर्स हैं मेरे पास मिस रोज़ के। और ये इस तरह का इसका जो है वो बॉक्स है, ये इसका जो वो बॉक्स है इसका, ये देखें आप ऐसे देखें, ये देखें मिस रोज़ प्रोफेशनली मेकअप ग्लिटर्स, और ये प्रेस ग्लिटर्स हैं। और इसके पीछे बैक पे इसकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ जो है वो मेंशन है। वार्निंग भी इसमें लिखी हुई है कि आप ये अगर रैश हो जाए आईज़ में या कुछ भी ऐसा तो आप एक फिजिशियन के पास कंसल्ट करना चाहिए, बच्चों से दूर रखें, ये तमाम इसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लिख दी गई है, कहाँ ये बने हैं, कहाँ एक्सपोर्ट हुए, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा गया, और ये चाइना के हैं। और इस पर एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, और इसके अलावा ये काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग है। उसके बाद अगर हम इसकी बॉक्स की बात करें तो ये ऐसे हैं, और मार्केट में बहुत महंगे महंगे जो है वो प्रेस ग्लिटर्स आए हुए हैं, तो हर कोई वो प्रेस ग्लिटर्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं आपको स्वाचेस दिखाती हूँ कि मुझे ये कैसे लगे हैं, और इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा है, मैं नो डाउट कह सकती हूँ, अगर रिजनेबल प्राइस में। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसको फिंगर से ऐसे बस टच कर रही हूँ, तो ये आप खुद देखें प्रेस ग्लिटर्स, ये देखें। अब उसके बाद मैं आपको गोल्डन स्वॉच करके दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है। मैं इतना ज़ोर से प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ये मैंने कम लगाया है इसको, तो अब आप देखें, ये देखें, ये आप खुद देख सकते हैं, और ये झड़ते भी नहीं हैं, ये देखें। मैंने आपको सारों के कलर जो है वो स्वॉच करके दिखा दिए, बहुत डिफरेंट जो है वो सारे कलर्स हैं, ये मल्टी कलर्स भी हैं, ये इसमें मल्टी भी आएगा, देखें ब्लूज़ में भी आई है, और ये इसमें गोल्डन में भी अवेलेबल है, ये देखें। मैंने आपको सारे स्वॉचेस दिखा दिए हैं, और ग्लिटर लुक जो है वो बड़ा प्रोफेशनली आपको लुक जो है वो नज़र आता है। और ये जब थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं तो ये बिल्कुल स्मच प्रूफ है, ये
जो है वो रिमूव भी नहीं होते हैं, आपके मेकअप पे स्टे कर जाते हैं, कोई ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा ड्राई होने दें। और इसके अलावा इसके मुझे जो है वो इसके ग्लिटर्स भी मुझे अच्छे लगे हैं, इतने रफ नहीं हैं और इतने ज़्यादा मुझे किसी ग्लू की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। और उसकी पैलेट भी बड़ी खूबसूरत है, ये देखें आप, वो देखें, इस पैलेट में सारे अवेलेबल हैं कलर्स। और ये पैलेट जो है मुझे 600 की मिली है, तो ये काफ़ी रीज़नेबल भी है और इसका रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो आप इसको प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं, और जब हम ग्लिटर्स को यूज़ करते हैं तो वो बड़ा प्रोफेशनली लुक जो है वो क्रिएट करते हैं, ये बहुत अच्छे भी लगते हैं, डिसेंट से मेकअप में लुक करते नज़र आते हैं और आपके मेकअप को इनहेंस करते हैं, आपके मेकअप को एक डिफरेंट लुक देते हैं। सो ये प्रेस ग्लिटर्स जो हैं मुझे इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है, तो आप इनको बाय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये आजकल फेमस भी हैं और इतने महंगे भी नहीं हैं। सो व्यूवर्स, आप मुझे बताएं आपको मेरे इन दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं इनका रिव्यू कैसा लगा है। दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो वर्थ बाइंग है और अच्छी हैं, बिगनर्स इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।